じで。ちょっと待って。写真撮りに行く。और अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह संभल चुकी है, बट जुनैद को सुबह से जो है फीवर हो रहा है, बट काम पे तो जाना है। अल्लाह की अमान में भेजते हैं। और व्यूवर्स, उसकी बात करूँगी मैं, अपने घर का काम एस यूजुअल। देख लीजिए कितना कमरा फैला हुआ है, और ये कपड़े जो धोए थे ये सारे विदा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, कल मिठाई खाई थी लेकिन जुनैद लाए थे। इतनी सी रह गई है, आपको पता है कितने का था ये? 100 रुपये का, लेकिन बहुत मज़े का था। नोट इसकी पैकिंग भी अच्छी है, पैडॉल ठंड की वजह से अब कितनी बची हैं। वेक्स सब तक कमरे में बीमारियाँ ही बीमारियाँ आ गई हैं। देख लीजिए शॉल वॉल विंट्रोजीनो। चले पहले कपड़ा तय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिमट गया पूरा कमरा, और अब मैं भी नमाज़ की तैयारी करती हूँ। और नमाज के बाद फ्री तो थी सो तस्बीहात पढ़ रही थी। बहुत सुकून मिलता है अल्लाह को याद करने से। और व्यूअर्स देख लीजिए, थोड़ा कल का जो व्लॉग है मैं आपको दोबारा रिपीट करा रही हूँ, बिकॉज़ मैंने आज कुछ ख़ास स्पेशल नहीं कुकिंग करी शाम के लिए, और यही सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी आज हमने यही खाई है। और जुनैद जब से काम पे से वापस आए उनका फीवर बहुत तेज़ है, तो खैर खानी उन्हें रोटी है, अल्लाह का नाम लेके रोटी ही दे रही हूँ दोबारा, कि बुखार दोबारा तेज़ ना हो जाए। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी जो बेहतरी है उसमें, वही बेहतर जानता है। सब्ज़ी बहुत नो डाउट बहुत अच्छी बनी थी, और अभी भी खा रहे हैं, और नेक्स्ट सोच रहे हैं बॉयल्ड राइस के साथ खाई जाए। और लास्ट काम, जुनैद को मेडिसिन वगैरह दे दी है, जुनैद सो चुके हैं। आज की डायरी 3 रजब हो चुकी है, और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे कि अल्लाह पाक हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। व्यूअर्स आज का कुछ ख़ास व्लॉग नहीं था, दिन भी अच्छा नहीं गया क्या, बहुत कुछ बुरी यादें भी होती हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं कुछ बुरा नहीं लिखूं अपनी डायरी में। मैं सोचती हूँ बुराई जितनी जल्दी जहन से हट जाए, दिल से हट जाए, बट कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है वक्त काटना। और देख लीजिए आज की डायरी में मैंने बस इतना ही मेंशन किया है कि आज का दिन कुछ अच्छा नहीं था, मेरी तबीयत संभली है तो जुनैद की ख़राब हो गई है, मौसम ही ऐसा चल रहा है। वेल, ये तो अल्लाह के बनाए हुए हैं, बेहतरी होगी, मसलहत होगी, नो डाउट कोई ना कोई। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ क्या करें, और हम हर तरीके से आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। आज का व्लॉग कुछ ख़ास नहीं हो सका बिकॉज़ जुनैद की तबीयत सही नहीं है, बस अल्लाह पाक उन्हें बहुत सारी सेहत तंदुरुस्ती दे। काम भी तो बहुत सारे उनके सर पर आ जाते हैं, आज खुद लेट कर बोल रहे थे कि माना कि सारे काम आसान नहीं होते, बट औरत के काम घर के काम घर वाली ही देख सकती है। आज की अच्छी बात व्यूअर्स, मैं अक्सर बेशतर शादी से पहले मुस्तनसर हुसैन दारा के सफ़रनामे वगैरह पढ़ती थी, जब मेरे बाबा थे वो मुझे बुक्स वगैरह ला के देते थे, तो ये था वो उस वक्त लाइब्रेरीज़ वगैरह भी थी, तो हम उनको देख के यानी मंगा लिया करते थे, जब तो ये सब तरीका कार था। शायद आज के जनरेशन को इस बारे में इतना नहीं पता।
तो आज उन्हीं की किताब में से लिखी हुई एक किताब बात थी जो बहुत पहले मेरी डायरी में मेंशन थी। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि ज़िंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। गौर से सुनिएगा व्यूवर्स, ज़िंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं लेकिन ज़िंदा हम फिर भी नहीं रहते हैं, है ना अच्छीवा। सो व्यूवर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बाँटें, प्यार बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी कामयाबी नो डाउट आपके ही दम से है। सो प्लीज़ प्लीज़ इस व्लॉग को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें। अब मैं भी सोऊंगी, काफ़ी टाइम हो चुका है। और एज यूजुअल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट लाजमी करिएगा कि आपको आज की मेरी डायरी और व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, सी यू।